हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एसके वर्मा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे साधारण ब्याज के टाइप नंबर एक के सूत्रों के बारे में। और ये वीडियो आप देख रहे हो गूगल यूट्यूब जो कोड है SI यानी सिंपल इंटरेस्ट SI नोट्स 401, इस कोड पर आप ये वीडियो देख रहे हो। डियर स्टूडेंट, आपको बता देते हैं कि यदि आप हमसे कोचिंग लेना चाहते हैं तो अगर श्रीगंगानगर में कोचिंग करना चाहते हैं तो RG क्लासेस श्रीगंगानगर हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि सादुल शहर आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो विक्ट्री क्लासेस सादुल शहर हमसे संपर्क कर सकते हैं। और वहीं यदि आप हनुमानगढ़ जंक्शन में हमसे कोचिंग करना चाहते हैं तो SK क्लासेस हनुमानगढ़ जंक्शन हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करेंगे, ये जो स्क्रीन पर पेज दिखाई दे रहा है जिस पर लिखा हुआ है कि साधारण ब्याज टाइप नंबर एक के सूत्र, हम इस वीडियो में साधारण ब्याज के टाइप नंबर एक के सूत्रों को पढ़ेंगे, जानेंगे टाइप नंबर एक में कौन कौन से सूत्र हैं। स्टूडेंट्स, इन सूत्रों को आप अच्छे से याद कर लें। अगर आपको ये सूत्र याद हो जाएंगे तो आप अच्छे से इस प्रश्नावली को कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं टाइप नंबर एक के सूत्रों को। डियर स्टूडेंट, साधारण ब्याज जो प्रश्नावली है उसके टाइप नंबर एक के जो सूत्र हैं, देखिए टाइप एक में सूत्र है और इसके अलावा जिसे टाइप नंबर 2-3 हम आगे करेंगे, तो टाइप नंबर जब 4 आएगा तो उसमें ट्रिक्स भी आएगी। तो हम सूत्र भी करेंगे, ट्रिक्स भी करेंगे, यानी हम दोनों तरीके से सवाल करेंगे, कंसेप्ट से भी करेंगे प्लस ट्रिक से भी करेंगे। इस जो पेज की वीडियो है, आपने अगर ये नोट्स हमसे ले लिए हैं, प्राप्त कर लिए हैं, तो आप इस नोट्स की वीडियो जो देख रहे हैं इस कोड पर देख रहे हैं, SI नोट्स 401, इस कोड पर इस पेज की वीडियो अभी चल रही है। डियर स्टूडेंट, जिनके पास अभी भी ये नोट्स अवेलेबल नहीं है तो आप नज़दीकी शॉप से प्राप्त कर सकते हैं या हमसे कॉल करके भी ये नोट्स मंगवा सकते हैं। तो सूत्र जान लेते हैं। सूत्र पहला है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। साधारण ब्याज का पहला सूत्र है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100। इसके अलावा हो जाता है का मतलब होता है मिश्रधन। देखिए, सपोज करो आपने बैंक में आज 1000 रुपये जमा कराए और ये 1000 रुपये मान लो 2 महीने बाद 1200 रुपये हो जाते हैं। तो हो जाते हैं ये क्या चीज़ हो जाता है, मिश्रधन, अमाउंट एडिशन हो जाता है, अभी जोड़ हो जाता है। और ब्याज कितना मिल गया, 200 रुपये ब्याज मिल गया, मतलब मूलधन 1000 रुपये, प्रिंसिपल 1000 रुपये और 200 रुपये इंटरेस्ट ब्याज जोड़ दो तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा या हो जाता है। इस शब्द से पता लगता है कि ये एक रकम क्या है, मिश्रधन है। देखिए, मिश्रधन किस किस का जोड़ है, मिश्रधन मूलधन और ब्याज का जोड़ होता है। मान लो 1000 रुपये आपने जमा कराए थे, 1000 रुपये और बढ़ के कितने हो गए, 1200 रुपये हो गए, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिल गया, 200 रुपये का इंटरेस्ट मिल गया। तो मूलधन 1000 रुपये और 200 ब्याज दोनों को जोड़ दो तो मिश्रधन हो जाएगा। तो मिश्रधन मूलधन और ब्याज का जोड़ है। डियर स्टूडेंट, जब भी साधारण ब्याज प्रश्नावली करना चाहें तो इस बात को नोट कर लें, समय जो है वो वर्ष में लेके चलें। मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं उसमें जो समय है वो वर्ष में रखें। जो ये टाइप है इसमें हम एक दो सवाल ऐसे भी करेंगे जिनमें समय महीने में होगा। अगर वर्ष में है तो कोई दिक्कत नहीं है, चेंज नहीं करना। अगर महीने में है तो किसका भाग दे लें, 12 का भाग दे लें, 12 का भाग दोगे तो वर्ष में बदल जाएगा। अब किसी के दिमाग में चल रहा होगा दिन में हो तो क्या करें, तो दिन में हो तो 365 का भाग दे लें और 373 के पारे से कटिंग कर लें। दिन में है तो 365 का भाग दे लें और 73 के पारे से कटिंग कर लें तो हो जाएगा। लेकिन हम इसकी चर्चा जो है टाइप नंबर 3 के अंदर करेंगे, अभी फिलहाल इसकी चर्चा करेंगे। अगर महीने में है तो 12 का भाग दे लें, 12 का भाग दोगे तो वर्ष में बदल जाएगा। अच्छा, कुछ सवाल जो है वो थोड़े स्पेशल भी दिए हैं। नोट नंबर 2 में लिखा है हमने, ₹1 प्रति सैकड़ा वाले प्रश्नों में समय जो है वो महीने में रखें। ₹1 प्रति सैकड़ा वाले प्रश्नों में जो समय है वो महीने के अंदर रखें। साथ ही आपको बता देते हैं कि पी प्रिंसिपल है, मिश्रधन ए अमाउंट या एडिशन है, समय टाइम है, आर दर है। तो इस सभी का जो इस्तेमाल है हम कहीं ना कहीं हमारे आने वाले सवालों में करेंगे। तो टाइप नंबर एक के जो सिर्फ सूत्र हमने इस वीडियो में बताए हैं और अगली जो वीडियो होगी उनमें आपको इससे रिलेटेड प्रश्न मिल जाएंगे। अगर सूत्र याद है तो वो प्रश्न आप आसानी से कर पाएंगे। साथ ही स्टूडेंट, यदि अभी तक आपने ये नोट्स नहीं खरीदे हैं तो आप निकटतम जो भी पुस्तक शॉप है, बुक शॉप है, उससे आप खरीद सकते हो या हमसे मंगवाना चाहते हो तो हमसे मंगवा सकते हो। बिल्कुल मिनिमम चार्जेस में आपको ये नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो डियर स्टूडेंट, हमारे YouTube चैनल जो कि SK वर्मा मैथ किंग है, इस नाम से आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें। बेल आइकन दबाने से आपको जो भी आने वाले नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिलते रहेंगे। इस तरह की बेहतरीन वीडियो
यदि आप और ज़्यादा देखना चाहते हैं, किसी टॉपिक के बारे में समझना चाहते हैं, तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं और उस टॉपिक से संबंधित पर्सन भी कमेंट करके लिख सकते हैं, हम उस पर्सन की वीडियो आपके लिए अवेलेबल करवा देंगे। तो स्टूडेंट्स, साथ ही अन्य विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन की, आप उन तक भी हमारी वीडियो को जरूर पहुँचाएँ यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।